नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का ऐतिहासिक टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने हैं। जिस तरह से पहले खबरें आ रही थी कि पिंक बॉल से दोनों टीमें फंस सकती हैं फील्डिंग में, खासतौर पर बल्लेबाजी में भी दोनों टीमों को परेशानी आ सकती है। गेंदबाजों को फायदा मिलेगा, बल्लेबाजों को परेशानी आएगी। मैच में कुछ पहली पारी की अगर बात देखें तो हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की तो वहीं बांग्लादेश की पूरी टीम महज 106 रनों पर ढेर हो गई। लेकिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस जो होनी चाहिए थी पहले, जो बांग्लादेश की टीम को जो कमी रह गई प्रैक्टिस में, या कहें तो बांग्लादेश की किसी भी खिलाड़ी ने पिंक बॉल से अभी तक डे नाइट टेस्ट मैच नहीं खेला है। वैसे तो दोनों ही टीमों के लिए ये डे नाइट टेस्ट मैच पहला टेस्ट मैच है, लेकिन भारत के कुछ खिलाड़ी पिंक बॉल से पहले खेल चुके थे, तो वहीं भारत की टीम भी इन दो टेस्ट मैच से लगातार प्रैक्टिस करती आ रही थी पिंक बॉल को लेकर। गीली करके गेंद से प्रैक्टिस की, रात में गेंद से प्रैक्टिस की, लगातार इस तरह की प्रैक्टिस भारतीय टीम ने की है। उसका फायदा भारतीय टीम को फील्डिंग में मिला। रोहित शर्मा ने जिस तरह से कैच लिए, रिद्धिमान शाह ने जिस तरह से विकेट के पीछे कैच लिए, कोहली ने लगातार शानदार कैच लिए, पुजारा ने अच्छे कैच लिए, लेकिन बांग्लादेश की टीम इस मामले में पिछड़ गई। बांग्लादेश की टीम ने रोहित शर्मा का एक आसान सा कैच छोड़ा। दरअसल 11वें ओवर था, जैद गेंद फेंक रहे थे, लेकिन अल अमीन एक आसान सा कैच रोहित शर्मा का नहीं ले सके। ये एक रेगुलेशन कैच था, एक आसान सा कैच था जो ले लेना चाहिए था, लेकिन कह सकते हैं कि एक दबाव था पिंक बॉल का बांग्लादेश के फील्डर्स पर, बांग्लादेश की टीम पर, जो साफ नजर आया। हालांकि रोहित शर्मा बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल कर पाए, इस जीवनदान का ज़्यादा बड़ा फायदा नहीं उठा पाए रोहित शर्मा, लेकिन फिर भी जिस तरह की बांग्लादेश की टीम प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से फील्डिंग कर रही है, लगातार कैच और फील्डिंग में जिस तरह का बांग्लादेश की टीम प्रदर्शन कर रही है, वो कह सकते हैं कि एक दबाव है बांग्लादेश की टीम पर पिंक बॉल का, और वो पिंक बॉल के जो एक जादू है, जो एक हवा है, उसमें फंस कर रह गई है। बाकी देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम किस तरह से, बांग्लादेश के गेंदबाज किस और फील्डर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अभी दूसरी पारी में जब अगर मौका मिला भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का, तो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही। बाकी क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार। चलो।